तो गाइस आज के वीडियो में ना मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ। प्रॉब्लम क्या है, आप में से कुछ लोग होंगे जो पहले गूगल प्ले म्यूजिक का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन वो बंद हो गया। उसके बाद में गूगल वालों ने बनाया यूट्यूब म्यूजिक। अब यूट्यूब म्यूजिक के साथ में सीन क्या है, कहने को तो ये एक म्यूजिक प्लेयर है, लेकिन इसके अंदर आपको बैकग्राउंड पे सॉन्ग्स प्ले करने का जो ऑप्शन है या जो फीचर है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। हाँ मिलेगा, आपको उसके लिए पैसा देना होगा। अब एक म्यूजिक प्लेयर के अंदर आपको पैसा देना पड़े, वो भी म्यूजिक को बैकग्राउंड में चलाने के लिए, तो किस बात का म्यूजिक प्लेयर। वैसे ऑप्शंस काफी सारे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप इसी के साथ में ये चीज करना चाहते हो तो कैसे आप कर सकते हो, इस बारे में आज बात करने वाले हैं। और इसके लिए ना ही आपको कोई मोडेड एप्लीकेशन यूज करनी होगी अपने फोन पे, एंड ना ही कोई भी पैसा खर्च करना होगा अपने YT म्यूजिक या फिर YouTube म्यूजिक को बैकग्राउंड में सुनने के लिए। तो कैसे आप इस सबको कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। तो अभी देख लेते हैं, बिना कोई भी पैसा खर्च किए हुए या फिर बिना कोई मोडेड एप्लीकेशन यूज किए हुए आप YouTube म्यूजिक को अपने फोन पे कैसे चला सकते हैं एंड कैसे बैकग्राउंड में सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हैं। वेल, सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपके साथ में शेयर कर दूं। क्रोम ब्राउजर का मैं इस्तेमाल करके करने वाला हूं, क्योंकि सभी लोगों के पास में क्रोम ब्राउजर होता ही होता है। ज़्यादातर केसेस में आप कोई दूसरा ब्राउजर चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ आपको सिंपली सर्च करना होगा YouTube म्यूजिक। आप चाहो डायरेक्टली इसके वेबसाइट पर भी जा सकते हो, music.youtube.com। एंड यहाँ जा करके आपको ये जो वेबसाइट है उसको क्रोम में ओपन करना है। अगर आपने YouTube म्यूजिक ऐप डाली है तो आपको वो सजेस्ट भी कर सकता है, रिकमेंडेशन दे सकता है, लेकिन आपको ब्राउजर में ही ओपन करनी है एंड डेस्कटॉप साइट इनेबल कर देनी है, जैसा मैं अभी कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जा करके आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं आपको नहीं सुना सकता, क्योंकि कॉपीराइट नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा नो कॉपीराइट साउंड के चैनल पे, और यहाँ जा करके देखता हूँ कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं प्ले करके आपको सुना सकता हूँ। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज आ गई हैं, इनमें से मैं कोई भी एक म्यूज़िक प्ले करूँगा। तो यहाँ पे मैंने म्यूज़िक प्ले कर लिया है, और अब मैं अपने माइक को लेकर के जाता हूँ मोबाइल के थोड़ा पास में, ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस मिले, थोड़ा बेहतर आप चीज़ों को समझ पाओ, और उसके बाद दिखाऊँगा कैसे आप इसको बैकग्राउंड में प्ले कर पाओगे। तो अभी आपने देखा जैसे ही मैंने अपने, ओ भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गया। तो देखो यार, नॉर्मली क्या होता है, जब आप इसको मिनिमाइज करोगे जैसा अभी मैंने क्रोम को किया, तो आपका म्यूजिक जो है यहाँ से पॉज होता है, जैसा अभी इस कंडीशन में है। अभी जब मैंने आपको दिखाया तो पॉज नहीं हुआ था, तो ये भी ठीक है। हाँ मतलब आप इस्तेमाल कर सकते हो, आपको तो बेसिकली मतलब म्यूजिक ही तो सुनना है बैकग्राउंड में, प्ले होता है नहीं होता उससे आप लोग को क्या लेना, वैसे भी हमें प्ले करना है। तो अभी यहाँ से प्ले कर सकते हैं, तो अभी आप देख सकते हो मैं अपनी होम स्क्रीन पे हूँ और म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले कर पा रहा हूँ। तो टेक्निकली आपका म्यूजिक बैकग्राउंड में ही प्ले हो रहा है, और YouTube म्यूजिक ही इसका सोर्स है। ऊपर आप देख सकते हो music.youtube.com। तो इस तरीके से आप कोई भी अपना सॉन्ग सुन सकते हो बैकग्राउंड में YouTube म्यूजिक का इस्तेमाल करके। और फिर आपके पास में एप्लीकेशन हो ना हो, आपने परचेज की है नहीं की है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था वो तरीका जिसकी मदद से आप अपने YouTube म्यूजिक को बैकग्राउंड में भी इंजॉय कर सकते हो, बिना पैसा दिए इंजॉय कर सकते हो, एंड इवन आपको कोई मॉडिफाइड एप्लीकेशन अपने फोन पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि कई बार प्राइवेसी के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए आपका खतरा बन सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी, एंड इसका इस्तेमाल करके आप भी अपना म्यूजिक एंजॉय कर पाओगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था। तो गाइस बस यही था आज के इस वीडियो में एक छोटा सा ट्यूटोरियल, एंड आई होप आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसकी मदद से आप भी बिना पैसा खर्च किए या फिर कोई थर्ड पार्टी ऐप को अपने फोन पर इंस्टॉल किए बिना YouTube म्यूजिक को बैकग्राउंड में प्ले कर पाएंगे। एंड उम्मीद करता हूँ मेरी तरफ से छोटी सी कोशिश आपके काम आएगी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मन में कोई सवाल सुझाव कुछ भी है भाई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो भी कर सकते हो, सबके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आपसे मिलता हूं आने वाले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।